यूपी की योगी सरकार दिवाली से पहले राज्य कर्मियों को तोहफा देने जा रही है। शासन की ओर से आ रही खबरों के मुताबिक यूपी सरकार जल्द ही अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने और बोनस देने पर विचार कर रही है। दशहरे के बाद बोनस और महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा हो सकती है। जल्द ही मुख्यमंत्री के सामने इस प्रस्ताव की फाइल पेश करने का दावा किया जा रहा है। मंजूरी मिलने के बाद दिवाली से पहले अराजपत्रित कर्मचारियों को बोनस देने का रास्ता साफ हो जाएगा। इससे करीब 14 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा। बरेली नगर निगम के पूर्व उपसभापति और भाजपा नेता अतुल कपूर के पिता के निधन पर शोक संवेदना जताने के लिए प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना मंगलवार को बरेली पहुंचे। इस दौरान वित्त मंत्री काफी देर तक अतुल कपूर के आवास पर ठहरे रहे। उनके पिता के चित्र पर पुष्प अर्पित करके वित्त मंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। वित्त मंत्री ने शोक संतप्त परिजनों से बात की और उन्हें ढांढस बंधाया। इस दौरान भाजपा के तमाम नेता, कार्यकर्ता, सांसद, मंत्री, विधायक भी वहां मौजूद रहे। बरेली में आईटीबीपी ने मंगलवार को 62वां स्थापना दिवस धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाया। इस मौके पर आईटीबीपी की तृतीय वाहिनी बुखारा कैंप ग्राउंड में भव्य परेड का आयोजन किया गया, जिसकी कमान उप सेनानी व जीडी हरगोविंद सिंह ने संभाली। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आईटीबीपी के उप महानिरीक्षक अशोक सिंह बिष्ट ने परेड की सलामी ली। इस दौरान उप महानिरीक्षक ने सभी पदाधिकारियों को आईटीबीपी के स्थापना दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही सभी को दशहरा के अवसर पर भी शुभकामनाएं दी गयी। बरेली के आनंद आश्रम का वार्षिकोत्सव 25 से 28 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। इस अवधि में कई धार्मिक अनुष्ठान व कार्यक्रम आयोजित होंगे। शरद पूर्णिमा के मौके पर आश्रम में दमा रोगियों के लिए दवा वितरण कैंप भी लगाया जाएगा। ट्रस्ट के उपाध्यक्ष पंकज अग्रवाल ने बताया कि आश्रम के 64वें वार्षिकोत्सव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 25 से 28 अक्टूबर तक होने वाले कार्यक्रम की अध्यक्षता महामंडलेश्वर असंगानंद सरस्वती महाराज और स्वामी ज्योतिर्मयानंद सरस्वती महाराज करेंगे। इस मौके पर 4 दिवसीय संत सम्मेलन भी आयोजित होगा, जिसमें देश के कई महान संत भी हिस्सा लेंगे। बरेली जिले भर में दशहरा पर्व की धूम है। बाजारों और मंदिरों में दशहरे के मौके पर रौनक देखने को मिल रही है। दशहरा मेला के आयोजन में मंगलवार को जमकर भीड़ उमड़ी। रावण वध के साथ ही शहर के कई मेला मैदान जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठे। शहर के हार्टमैन मैदान, मॉडल टाउन, इज्जत नगर रेलवे ग्राउंड, चौधरी तालाब मेला और कई अन्य स्थानों पर पारंपरिक रूप से लगने वाले मेलों में अलग अलग समय पर रावण वध लीला का मंचन किया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने मेलों में पहुंचकर रावण वध की लीला देखी। इस दौरान मेलों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। बरेली में नवरात्रि समापन के मौके पर डिस्को डांडिया प्रोग्राम का शानदार आयोजन किया गया। डिस्को डांडिया के सीजन 7 में नव युवक युवतियों ने शानदार डांडिया नाइट में जमकर डांस किया। स्वर्ण फार्म में डिस्को डांडिया के आयोजन में शहर भर के लोग बड़ी संख्या में जुटे। नव युवक युवतियों और महिलाओं ने भी पारंपरिक गरबा डांडिया डांस के साथ महानवमी पर्व का आनंद उठाया। फन सिटी के डायरेक्टर और एक उम्मीद संस्था की फाउंडर अमिता अग्रवाल, कोरल मोटर्स के अजय अग्रवाल, डीजी फार्म्स के डायरेक्टर और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर आशीष गुप्ता और अभिमन्यु गुप्ता, नालंदा पब्लिक स्कूल के विशाल बाशने, रोयलखंड मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर केशव अग्रवाल और महिला कल्याण विभाग की उपनिदेशक नीता अरिवार समेत न्यूज टुडे नेटवर्क के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर स्वतंत्र कुमार ने दीप प्रज्वलित कर डिस्को डांडिया प्रोग्राम का शुभारंभ किया। बरेली में विजयादशमी के मौके पर विभिन्न स्थानों पर पारंपरिक रूप से शस्त्र पूजन और दशहरा पूजन के कार्यक्रम आयोजित किए गए। पंजाबी महासभा ने बांके बिहारी मंदिर के हॉल में शस्त्र पूजन का आयोजन किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लेकर परंपरागत रूप से शस्त्र पूजन किया और विधि विधान के साथ दशहरा पूजन करके प्रसाद ग्रहण किया। बरेली के परसाखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में स्थित वृंदावन बेवरेज फैक्ट्री के विद्युत यार्ड से लाखों की कीमत का बिजली का सामान चोरी हो गया। चोरी करते हुए 3 लोग सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। कंपनी के लीगल एडवाइजर ने सीबीगंज थाने में तहरीर देकर शिकायत की है। सीबीगंज थाना क्षेत्र के परसाखेड़ा में स्थित कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री के बिजली यार्ड में बिजली के कीमती उपकरण रखे हुए थे। चोरी का पता चलने पर फैक्ट्री प्रबंधन ने पुलिस को घटना की पूरी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की रिपोर्ट दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। बरेली में ऑटो लिफ्टर गैंग सक्रिय है। पुलिस ने बाइक चोर गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। मीरगंज पुलिस ने पकड़े गए 2 युवकों के पास से चोरी की 2 बाइकें बरामद की हैं। पूछताछ में युवकों ने दूसरे इलाके में भी चोरी की घटनाओं में शामिल होना बताया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस ने फतेहगंज पश्चिमी निवासी धवन और शाही थाना क्षेत्र के कन्नू नगला गाँव निवासी अंशु को गिरफ्तार करके मंगलवार को जेल भेज दिया है।
बरेली में मोबाइल मैकेनिक का शव संदिग्ध हालात में मिलने से हड़कंप मच गया। परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका जताई है। आफिजगंज गांव के हर हरपुर मटकली निवासी बाधुराम मोबाइल मिस्त्री है। देर शाम वह दोस्त के साथ घर से निकला था, जिसके बाद वह वापस नहीं आया। मंगलवार सुबह बाधुराम का शव नहर के पास खेत से बरामद किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। परिजनों ने युवक की हत्या का आरोप लगाया है। ये थे न्यूज टुडे नेटवर्क के आज के समाचार। ऐसे ही ऑथेंटिक और रिसर्च ओरिएंटेड कंटेंट के लिए लगातार न्यूज टुडे नेटवर्क के न्यूज़ बुलेटिन को फॉलो कीजिए।